फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद इस्लाम एंड वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लोबल ट्रैवल इस्लाम। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपको बहरीन का बाज़ार दिखाएंगे, जो कि रात के 10 बजे भी काफ़ी रौनक दिखा रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्वात में बहरीन लाजमी जो है वो आए, एक्सप्लोर करें। यहाँ भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट और होटल्स और काफ़ी अच्छा जो है वो होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे खाना सर्व किया जाता है। तो आज के इस व्लॉग में आपको टोटल बाज़ार का जो है वो अपडेट देंगे, इसमें आप देख सकेंगे कि बहरीन का बाज़ार कितना जो है वो फेमस है। जी फ्रेंड्स, ये आप बहरीन स्वात का जो है रिवर बैकग्राउंड में देख सकते हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं, तो इसका वाटर कलर बेसिकली ग्रीन है। और ये बेसिकली फ्रेंड्स, जो इसके मेन बाज़ार में जो रेस्टोरेंट है, मेरी बैकग्राउंड में आपको जो नज़र आ रहे हैं, इसकी जो बैक साइड पर है जो ये रिवर चलता है। तो अगर मेरा कैमरे की आंख आपको दिखाए तो आप थ्रू आउट जो है बहरीन रिवर का दिलकश खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और आपको मैं सराउंडिंग में भी आपको दिखाऊंगा, इसकी सराउंडिंग में भी काफ़ी बुलंदोबाला ग्रीन माउंटेन्स हैं, जो कि अभी 2 वीक पहले जो है जिन्होंने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी। तो एक्चुअली अप्रैल जैसे ही चढ़ा है, तो स्नो फॉलिंग जो है यहाँ से माउंटेन से मेल्ट हो चुकी है। दूसरी साइड का भी गाइस आपको जो है मैं व्यूज़ दिखाता हूँ, ये इसके रिवर की दूसरी साइड है। तो इसका जो वाटर है काफ़ी स्पीड से जो है वो बहता आगे की तरफ जा रहा है, और काफ़ी ये डीप और गहरा है। इस साइड पर भी फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट की बैक साइड पर आप जो है वो देख सकते हैं कि तमाम रेस्टोरेंट की बैक साइड पर ये रिवर लगता है। तो मैं गाइस आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आए और बहरीन को एक्सप्लोर करें। और बहरीन के ये बेसिकली सिटी सेंटर में जो है ये रिवर जो है वो पाया जाता है। तो आप इन्हीं होटल्स में आकर यहाँ पर स्टे करें जिनकी बैक साइड इस रिवर पर लगती है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक नाइट का स्टे किया है, तो मुझे एक्चुअली ये बहरीन जो है वो काफ़ी दिलकश खूबसूरत एक्चुअली लगा है, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है। लोग यहाँ के बड़े जो है अच्छी हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है कलाम मानव जब्बा अगर कई तरफ आएँ तो यहाँ पर भी जो है वो स्टे करें। यहाँ पर भी फ्रेंड्स काफ़ी नेचुरल जो है वो ब्यूटी छुपी हुई है। तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये इसके जो है रिवर के ऊपर जो ब्रिज है जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये इसका जो है आप व्यू देख सकते हैं। और ये फ़ोटोशूट के लिए ब्रिज बेसिकली काफ़ी जो है खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर एक छोटी 4-व्हील कार भी जो है वो गुजर सकती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो बैकग्राउंड में वो कार आ रही है, वो अभी इसी ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी। तो ये कुछ दोस्त जो है आ चुके हैं फ़ोटोशूट के लिए। और ये बैकग्राउंड में देखें फ्रेंड, 4-व्हील कार भी आ चुकी है जो कि इस ब्रिज पे से गुजर रही है। फ्रेंड्स, ये था बहरीन का जो है खूबसूरत रिवर। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर फ्रेंड्स वेदर की बात करें तो आई थिंक 8-10 डिग्री चल रहा है, तो इस वेदर में भी बेसिकली बड़ा विंडी और जो है खूबसूरत चिली वेदर है। इसमें भी सभी दोस्तों ने यहाँ पर हुड्स जैकेट्स वगैरह जो है वो ली हुई हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आए फ्रेंड्स, हुड्स जैकेट्स वगैरह जॉगर वगैरह लाजमी लेकर आएँ, ग्लव्स वगैरह, कैप वगैरह, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली विंटर में तो सर्दी होती ही होती है। अभी हम स्प्रिंग सीज़न में आए हैं, जो कि फ़िलहाल अभी अप्रैल की बिगनिंग है, तो फिर भी आप जो है जैकेट्स वगैरह लाजमी लेकर आए। और ये भी फ्रेंड्स व्यू देखें पीछे माउंटेन्स का, काफ़ी प्यारे इसके जो है व्यू, यहाँ पर व्यू आप ले सकते हैं। तो फैमिलीज के लिए ओवरऑल फ्रेंड्स ये बड़ी खूबसूरत और फिट जगह है। तो मुझे अभी कॉल आ रही है रेस्टोरेंट से, अभी हम जो है नाश्ते के लिए जो है जाने लगे हैं। तो 1 नाइट यहाँ पर स्टे था, नेक्स्ट हमारा जो है डेस्टिनेशन वो है कलाम, कलाम से फिर हमारी वापसी जो है वो सियालकोट के लिए होगी। तो मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आए और बहरीन जो स्वात में पाया जाता है इसे एक्सप्लोर करें।
काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है ये, और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ बेसिकली लर्न करने को सीखने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ें जो है अनएक्सपेक्टेड जो है यहाँ पर आके आपको जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा, अगर ये वीलॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और